बंजर धरती फल कुद के तो बैल भगाना ना चाहिए। बंजर धरती फल कुद के तो बैल भगाना चाहिए। निर्दोषी मानस के लगो, निर्दोषी मानस के लगो, दोष लगाना ना चाहिए। बंजर धरती फल कुद के तो बैल भगाना साड़ में हर सोबी गे के विश्वेदार के सोबी गे के विश्वेदार के पर मैं टोटा ना चाहिए। जाथर थोड़ा वजन गणायो जबर बरोटा ना चाहिए। हेरे बिजनेस चाहे कैसा हो पर अकल का मोटा ना चाहिए। भाइयों में छोटा ना चाहिए। भाइयों में बोलन की खातिर मानस छोटा ना चाहिए। देते हैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ पांचाल साहब का, ओम प्रकाश पांचाल जी का, और हमारे मामा जी मुरारी जी वो भी इस रागनी पे खुश होकर 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने भी मान सम्मान किया उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। दूसरी लाइनों में कवि ने क्या लिखा ये? ये? बाली जी बगोला से वो भी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अंकल जी आदरणीय करतार जी वो भी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं आदरणीय, जो हमारे शहीद बदन सिंह जी के पिताजी हैं भागीरथ जी, वो भी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। अंकल जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्या लिखा दूसरी लाइनों में क्या बताया? खेती करनी चाहिए, कौन से महीने में कौन सी खेती नहीं करनी चाहिए, किस तरह से क्या लिखा? आदरणीय प्रताप कवि जी वो भी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। मासी जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
फिर जेठ साड़ में बोवे बाजरा, जेठ साड़ में बोवे बाजरा, हल में फाड़ा ना चाहिए, मिर्च तमाखू जीरे में कते पानी गाढ़ना चाहिए, फिर बेटी की इज्जत की खातिर अपने ते ठाडाना चाहिए, यह शादी का लकड़ आटाना चाहिए, शादी का काम करे जब लकड़ आटाना चाहिए, हर लेन देन का कागज सजना, लेन देन का कागज सजना, पते जलाना ना चाहिए, बंदर धरती हल खुद कहते बैल बगाना ना चाहिए, बंदर धरती हल खुद बच्चों को, और भैंस तो दूध देने का नाम नहीं ले रही, तो ऐसी भैंस भी किसी काम की नहीं होती। ये भी कहा कि अगर एक पहलवान अखाड़े में कुश्ती लड़ने के लिए जा रहा है और उस पहलवान को लंगोटी ना हो तो ऐसा पहलवान भी किसी काम का नहीं होता। ये भी कहा जंगल में एक हाली हल चला रहा हो, एक पाली भैंसों को चरा रहा हो और सूखी रोटी घरवाली भिजवा देगी ले खा लिए, तो वो पाली बहुत गुस्सा आवेगा उसने, नो कहेगा सारे दिन कमाता रहता हूँ लेकिन सूखी रोटी भिजवा दी ना, सूखी रोटी नहीं देनी चाहिए पाली को, चाहे घर के बच्चों को घी ना मिले लेकिन उस थाली को और पाली को चिपड़ी रोटी जरूर भिजवानी चाहिए खेत में, और क्या नहीं करना चाहिए, क्या लिखा देखे बाट दूध की, कुण बात देखे बाट दूध की, कड़वी झोटी ना चाहिए, लड़े अखाड़े मैं कुश्ती तो नरम लंगोटी ना चाहिए, मेरे जंगल में हाली पाड़ी की बिन चुपड़ी रोटी ना चाहिए, कद का बेसक छोटा हो इज्जत छोटी ना चाहिए, कद का बेसक छोटा हो रे इज्जत छोटी ना चाहिए, मेरा पीर भाग जा बड़े घर की, पीर भाग जा बड़े घर की, ये मरद भगाना ना चाहिए, बंदर भूमि हर गुट को बैल भगाना ना चाहिए, बंदर धरती हर गुट चाहिए।
भीड़ जी की कमेटी से भी सदस्य आए हैं गांव गढ़ी से, उनका भी यहां पे स्वागत है। तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। अंतिम लाइनों में कवि ने ये कहा कि इस दुनिया में रंग भगवान ने दो बनाए हैं, गोरा और काला। अगर कोई काला इंसान बैठा हो तो बुरा मत मानना, ये तो कुदरती रूप है। और काला रूप तो कृष्ण भगवान का भी था, लेकिन दुनिया दीवानी है उनकी। इंसान के गुण, इंसान के कर्म अच्छे होने चाहिए। कर्म से पहचान बनती है, ना कि सुंदरता से। किस तरह से अंतिम लाइनों में क्या कहा, आइए सुनते हैं। हेरे इज्जत मंद मानस के घर में, हाँ, कोई इज्जतदार इंसान हो और उसके घर में चतुर चलाक बीरबानी आ जावे तो रिश्ता निभता नहीं। इज्जत मंद मानस के घर में, हाँ, तेहरे ताड़ी ना चाहिए। बाहर की बेशक हो काली, पर पेट की काली ना चाहिए। करी रांड ने जिसका ब्याह नहीं होता वो बिहार से लिया हुआ 20,000 रुपए में, और वे बिहार की लुगाई ऐसी हो, वे 3 दिन तो बढ़िया रहेगी, चौथे दिन छाती पे चूड़ी धर के भाग जावे। ऐसी औरत का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। करी रांड ने एक साल तक, हाँ? करी रांड ने एक साल तक देनी ताली ना चाहिए।